नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कोविड 19 के टीके कोवैक्सीन की 2 करोड़ खुराक खरीदने के लिए भारत की दवा कंपनी भारत बायोटेक के साथ समझौता किया गया है। हालांकि कोवैक्सीन के इस्तेमाल को स्थानीय नियामकों ने अभी तक मंजूरी नहीं दी है। ब्राजील की ओर से ये समझौता उस दिन किया गया है जब ब्राजील में संक्रमण से मौत का आंकड़ा 2.5 लाख पार पहुंच गया है। ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो के प्रशासन ने बताया कि कोवैक्सीन टीके की 80 लाख खुराक की पहली खेप मार्च में आएगी, 80 लाख खुराक की दूसरी खेप की अप्रैल में और अन्य 40 लाख खुराक की मई में आने की संभावना है। ब्राजील टीकों की कमी के कारण अपनी 21 करोड़ की आबादी में से केवल 4% लोगों को ही टीका लगा पाया है। देश की दवा कंपनी प्रेसिसा मेडिकामेंटोस और भारत बायोटेक दोनों में से किसी ने इस समझौते की पुष्टि नहीं की है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।